Good morning, students of class 4. How are you all? I hope you all are fit and happy. Students, this is your computer class. ये आपकी कंप्यूटर की क्लास है. सो इसमें हमने चैप्टर 8 स्टार्ट किया हुआ था और हमारा पार्ट 4 अच्छे से कंप्लीट कर लिया था हमने. आज हम इसका पार्ट 5 करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा चैप्टर है तो इसलिए पार्ट में मैंने डिवाइड करके आपको इसको रीड आउट कराया है. तो आज हम इसका पार्ट 5 करने वाले हैं. सभी अपनी बुक में पेज नंबर खोलिए. मैं अपने आपको पेज नंबर बता देती हूँ, 82. सभी बच्चे अपनी बुक में पेज नंबर 82 खोलिए और सभी मेरे साथ अच्छे से इस चैप्टर को रीड आउट करेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं. तो इसमें आज हम हेडिंग, आप जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रही है, यहाँ पर लिखा है फाउंट साइज. क्या है फाउंट साइज? मतलब फाउंट मतलब होता है जो भी हम कुछ भी उसमें लिख रहे हैं उसका साइज. वो कैसे लिख रहे हैं, छोटा लिख रहे हैं, बड़ा लिख रहे हैं, क्या साइज है उसका, तो उसके बारे में मैं आपको रीड कराती हूँ, एक्सप्लेन भी करती हूँ आपको साथ साथ, ठीक है. चलिए. फाउंट साइज अपियर्स इन द फाउंट ग्रुप बिलो द फाउंट नेम. यू कैन टाइप इन द साइज यू वॉन्ट बाय क्लिकिंग ऑन द बॉक्स और एल्स यू कैन सेलेक्ट द फाउंट साइज फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट बाय क्लिकिंग ऑन द एरो गिवन अलॉन्ग विद द बॉक्स. टेक्स्ट रिटन इन फाउंट साइज 12 अपियर्स एज MS Paint. Text written in font size 18 appears as my paint. इसमें बोला है जो कुछ भी आप लिख रहे हैं उसका क्या साइज है. जैसे उसमें बहुत सारे नंबर दिए होते हैं कि आपको किस नंबर पर मतलब अपना फाउंट का रखना है, 1, 2, 3, 18, 19, मतलब बहुत सारे नंबर उसमें दिए होते हैं. जिस भी तरीके की साइज आपने अपने फाउंट का रखना है वो आप नंबर उसको सिलेक्ट कर लेंगे और देन उसको जब क्लिक करेंगे तो वो ऐसे ही उसी साइज में आपका वो टेक्स्ट तो लिखा जाएगा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर. जैसे आप सभी को पता है कि रेक्टेंगल टेक्स्ट बॉक्स साइज में क्या होता है, हम जो भी लिखते हैं इसके अंदर लिखते हैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर. अब यहाँ बात हो रही है कि हम अपना जो लिख रहे हैं उसका साइज कैसा हो, छोटा हो, बड़ा हो, अलग हो. देखिए ये आप सभी, आपको ये साइज दिख रहा है ना, ये छोटे साइज का है, ये उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा, ये बड़ा है, ये सबसे इससे भी बड़ा है ऊपर वाले से, और ये नीचे देखिए ये सबसे बड़ा लिखा हुआ है. तो इनके साइज तो सभी के डिफरेंट डिफरेंट साइज हैं. तो ये सभी आपको फाउंट साइज में दिख जाएंगे. आपको फाउंट नेम के नीचे फाउंट साइज जो दिखाई दे जाएगा ऑप्शन में, उसको आपको क्या करना है, जो भी आपको यू कैन टाइप इन द साइज, आप जो भी साइज आपको लिखना है आप उसको टाइप कर दो यू वांट बाय क्लिकिंग ऑन द बॉक्स. उसके बाद देन आप क्या कर क्लिक करोगे और एल्स यू कैन सेलेक्ट. उसके बाद आप जो भी साइज आप सिलेक्ट करेंगे उसी तरीके का वो नीचे आपको साइज, नीचे आप जब टेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे वैसे ही वो लिखा जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है. चलिए. नोट, वाइल वर्किंग ऑन द टेक्स्ट बॉक्स इफ यू क्लिक इन द ड्रॉइंग एरिया आउटसाइड द टेक्स्ट बॉक्स द टेक्स्ट बॉक्स बिकम्स अ पार्ट ऑफ द पिक्चर. वाइल वर्किंग, काम करते टाइम ऑन द टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जब हम काम करते हैं, इफ यू क्लिक इन द ड्रॉइंग एरिया, अगर आप ड्रॉइंग एरिया में बाहर की तरफ क्लिक करते हो टेक्स्ट बॉक्स की, द टेक्स्ट बॉक्स बिकम, जो टेक्स्ट बॉक्स होता है वो पार्ट हो जाता है पिक्चर का ही. नाउ यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस टू दैट टेक्स्ट बॉक्स और द टेक्स्ट. सो अ टेक्स्ट बॉक्स इज एक्टिव टिल यू सी अ डॉटेड लाइन और बाउंड्री अराउंड द टेक्स्ट बॉक्स. टेक्स्ट बॉक्स तो आप सभी को पता है टेक्स्ट बॉक्स किसे बोलते हैं, जिसके अंदर कुछ भी हमें लिखना होता है वो एक बॉक्स बनकर आता है. जैसे कि आपको ये दिख रहा है बच्चों, ये क्या है पूरा, ये आपका पूरा टेक्स्ट बॉक्स है. ये क्या है आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स है ये, है ना. ये क्या है, रेक्टेंगल शेप में आ रहा है और उसके अंदर जो भी लिख रहे हैं हम वो कर सकते, इसके अंदर अगर आप जो भी कर रहे हो टेक्स्ट बॉक्स के तो तभी तक वो सारे चेंजेस हो सकते हैं. अगर आपने अपना माउस इधर जाकर क्लिक कर दिया तो वो टेक्स्ट बॉक्स, ये जो टेक्स्ट बॉक्स आपका रेक्टेंगल शेप है ना, ये सब खत्म हो जाएगा और वो जो भी आप पिक्चर बना रहे हो ना वो सेम हो जाएगी, मतलब उसी के आप उसी का ही पार्ट हो जाएगा. मतलब आप अगर इसमें टेक्स्ट के अंदर कुछ भी चेंजेस करना चाहोगे तो नहीं होगा. अगर आपके जब तक ये टेक्स्ट बॉक्स के चारों ओर ये लाइंस ड्रॉ हुई दिख रही है तब तक आप इसमें चेंज कर सकते हो कुछ भी. अगर इसके बाहर आपने क्लिक कर दिया तो ये हट जाएगा टेक्स्ट बॉक्स, ये खत्म हो जाएगा और आपका क्या होगा वो फिर चेंजेस कुछ नहीं हो सकता. तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है जब आप काम करेंगे MS Paint के अंदर टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, जब आप लिखेंगे कुछ भी, ठीक है, अपने ड्राइंग एरिया में. बोल्ड, बोल्ड को कैसे, इसमें
पहचानते हैं हम ये बी का बना होता है, इसका मतलब होता है बोल्ड। ओके, बोल्ड हेडिंग है आपकी। चलिए अब इसमें लिखा है सिलेक्टिंग दिस ऑप्शन मेक्स द टेक्स्ट लुक हेवियर देन नॉर्मल। अगर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे आप तो आपका जो टेक्स्ट जो भी आपने लिखा है उसका जो लुक है वो हेवियर हो जाएगा देन नॉर्मल, नॉर्मल से क्या हो जाएगा वो हेवियर हो जाएगा। ठीक है, इट इज यूज टू हाईलाइट टेक्स्ट, इसका मतलब होता है हम इसको क्यों यूज करते हैं, अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए यूज करते हैं। यू कैन सिलेक्ट दिस ऑप्शन, आप सिलेक्ट कर सकते हो इस ऑप्शन को बाय क्लिकिंग, क्लिक करने के बाद ऑन द बटन, बटन पर मार्क्ड बी, आपको ऐसा ऑप्शन यहाँ दिखाई देगा बी लिखा हुआ इस तरीके से, इन द टेक्स्ट टूल्स, टेक्स्ट टूल के अंदर टैब अंडर द फाउंड ग्रुप, फाउंड ग्रुप के अंदर इस तरीके का बी आपको लिखा हुआ दिखाई देगा वहां पर, इसको आप क्लिक करोगे तो वो काम हो जाएगा, आपका जो जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है ना वो हाईलाइट हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो इस पिक्चर में एमएस पेंट में देखो ऊपर यहाँ शो हो रहा है ना ये बी दिख रहा है ना आपको, तो ये बोल्ड इसका मतलब होता है आपको अगर टेक्स्ट को अपना हाईलाइट करना है तो इससे जाकर आप क्लिक कर सकते हो तो हाईलाइट हो जाएगा आपका। देखो आगे दिखाया हुआ भी है, देखिए ऊपर सबसे देखो ये नॉर्मल टेक्स्ट है और यहाँ पे देखिए नीचे ये क्या हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है ना, अलग से हेडिंग से अलग से दिख रही है आपको क्योंकि डार्क हो रहा है, ये बोल्ड हो रहा है, ये नॉर्मल है, तो इसमें बोल्ड का यूज करके तो हमारा टेक्स्ट कैसे दिखाई देगा, इस तरीके से आपको शो होगा, है ना। देखिए अगर आप यूज कैसे करेंगे इसको बोल्ड टेक्स्ट को, आपको करना पड़ेगा शॉर्टकट कीज होती है इसके लिए भी कुछ, अगर आप कंट्रोल प्लस बी करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, तो इस तरीके से आपका जो आपने लिखा है टेक्स्ट उस तरीके से हाईलाइट हो जाएगा, अगर कंट्रोल प्लस आई करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा, देखिए इटैलिक, अगर कंट्रोल प्लस यू करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगी आपके टेक्स्ट में, देखिए इस तरीके से। तो ये कीज होती हैं, जैसे इस तरीके से अगर आप कंट्रोल प्लस बी करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा कुछ भी टेक्स्ट आपने लिखा वो हाईलाइट हो जाएगा, अगर कंट्रोल प्लस आई करेंगे तो वो इटैलिक साइज में लिखा हुआ आएगा, और कंट्रोल प्लस यू करेंगे तो क्या होगा अपने टेक्स्ट के नीचे आपकी अंडरलाइन हो जाएगी, यहाँ पर सब इसमें अच्छे से दिखाया गया है ना स्टूडेंट्स। चलिए आप पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है इटैलिक, इसको आई से डिनोट करते हैं, आई से पहचानते हैं। दिस ऑप्शन मेक्स द टेक्स्ट स्लैंटेड ऑन द राइट साइड, यू कैन सेलेक्ट दिस ऑप्शन बाय क्लिकिंग ऑन द बटन मार्क्ड आई इन द टेक्स्ट टूल्स टैब अंडर द फाउंड ग्रुप। इसमें लिखा है कि आपको ये ऑप्शन कहाँ दिखाई देगा, टेक्स्ट स्लैंटेड मतलब एक तिरछी सा आई लिखा हुआ दिखाई देगा, जैसे आप इसको क्या कर सकते हो, इसको जाके आप क्लिक कर सकते हो टेक्स्ट टूल में जाकर, ये आपको मिल जाएगा, देखिए नीचे नॉर्मल टेक्स्ट इस तरीके से लिखा है, अगर आपको इटैलिक टेक्स्ट लिखना है तो वो ऐसा हो जाएगा, हो गया ना चेंज, ये थोड़ा सा इटैलिक हो गया, ये नॉर्मल है ये इटैलिक है, देखिए ये नॉर्मल ये इटैलिक है इस तरीके से। अब है अंडरलाइन, अंडरलाइन को कैसे डिनोट कैसे पहचानते हैं, यू लिखा होता है, जैसे बोल्ड का बी इटैलिक का आई तो अंडरलाइन का यू लिखा होगा। द अंडरलाइन ऑप्शन अंडरलाइन द टेक्स्ट, अंडरलाइन ऑप्शन क्या करता है, अंडरलाइन कर देता है टेक्स्ट के नीचे। यू कैन सेलेक्ट, आप सेलेक्ट कर सकते हो दिस ऑप्शन, इस ऑप्शन को बाय क्लिकिंग, क्लिकिंग के द्वारा ऑन द बटन मार्क्ड यू, जो बटन होता है उस पर यू लिखा होता है, इन द टेक्स्ट टूल, टेक्स्ट टूल टैब के अंदर द फाउंड ग्रुप, फाउंड ग्रुप के अंदर नॉर्मल टेक्स्ट इस तरीके से लिखा होता है, देखो अगर इसके आप अंडरलाइन करोगे तो वो ऐसा अंडरलाइन हो जाएगी आपकी, है ना। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, देखिए यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा बी आई यू, बी से बोल्ड, आई से इटैलिक, यू से अंडरलाइन, ये सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, है ना। देखिए इस वाली पिक्चर में आपको आई होप सही से दिख रहा होगा, जैसे बी से बोल्ड, आई से इटैलिक, यू से अंडरलाइन, इस तरीके से ये सारे आपकी यहाँ पे टेक्स्ट टूल के अंदर फाउंड ग्रुप में ये सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए होते हैं, ये सारे काम आप यहीं से कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहीं आपका आज ये चैप्टर स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया है, आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो आपको क्या करना है, वीडियो को फिर से एक बार रिकॉल करना है, फिर से देखना है, ध्यान से और अच्छे से देखना है और समझना है, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर से अगर आप देखोगे तो, है ना। तो आपका वीडियो यहीं कंप्लीट हो गई है स्टूडेंट्स, तो आप सभी को घर से इसकी अच्छे से रीडिंग करनी है और अच्छे से चैप्टर को समझना है। तो चलिए आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं स्टूडेंट्स, चलिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।